कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर पूरा कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ेंगे ना अपन लोग, वो सब अपने को हर चैप्टर के अंदर यूज आने वाला है। तो जैसे इनिशियली भी अपन ने बात की थी इंट्रोडक्शन में कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, तो कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी जब हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो जैसे अपना होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल होता है, जर्नल से क्या होता है लेजर में पोस्टिंग होती है, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, किसको बैलेंस करते हो, लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, फिर उससे क्या बनता है ट्रायल बैलेंस बनता है। वैसा ही कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या होता है, जर्नल होता है जहां जर्नल एंट्रीज होती है, और वहां से क्या होता है लेजर अकाउंट्स में क्या होती है पोस्टिंग होती है। अच्छा मुझे बताओ अगर अपन कॉस्ट की अकाउंटिंग नहीं करें, कोई कहते हैं यार अपने तो फाइनेंशियल अकाउंट है काय में चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग, तो अगर अपन कॉस्ट की अकाउंटिंग नहीं करें कॉस्ट के पर्पस से तो क्या होगा। हाँ मुझे करंट ईयर में एस्टिमेशन के लिए लास्ट ईयर के कोई अमाउंट्स नहीं मिलेंगे, तो अगर मुझे मान लो करंट ईयर में कोई भी एस्टिमेट करना है तो इन्फॉर्मेशन कहां से उठाओगे, लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर से उठाने के लिए अपने को क्या चाहिए, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड चाहिए। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है अलग है। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है एक्सटर्नल पर्पस के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है एक्सटर्नल पर्पस के लिए कि भाई कोई भी डेटा मांगे तो अपने को देना पड़ता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है इसी तरह से जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है इंटरनल पर्पस के लिए होती है। कोई अपने को पूछे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की तो बता दोगे क्या? अरे कोई बोले कि भैया कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की बता देंगे क्या, नहीं बताएंगे ना, फिर तो अपना कॉस्ट कैलकुलेशन का पॉलिसी आउट हो जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प नहीं करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते क्यों है, ताकि मुझे करंट ईयर में अगर लास्ट ईयर की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए। समझ में आया? तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा, कॉस्टिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड। तो जब आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ साथ क्या करते हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ साथ जब कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। और जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग रखते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग रखते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। बिजनेस एक ही होता है, दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, एक फाइनेंशियल अकाउंट और एक कॉस्ट अकाउंट। नहीं आ रहा? तो यहां पे अपने को तीन चीजें पढ़नी है। पहला अपने को पढ़ना है यहां पे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या पढ़ना है? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ही बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंट अलग होता है और कॉस्ट अकाउंट अलग होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी दो होते हैं। एक प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट अलग आता है और एक प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अलग आता है। तो एक ही बिजनेस के दो प्रॉफिट एंड लॉस, हो सकता है कि दो अलग अलग प्रॉफिट शो करें, तो फिर अपने को उनको रिकनसाइल करना पड़ता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। आएगा ही ना, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कंसीडर होते ही नहीं है, पता है ना? तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम है तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो आता है, कॉस्ट अकाउंट में आता है क्या? तो प्रॉफिट सेम आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। तो सोचने वाली बात है, एक ही बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट क्या करता है, दो अलग अलग प्रॉफिट शो करेगा। तो पता तो चलना चाहिए कि प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो पहले अपन पढ़ेंगे क्या, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। फिर उसके रिलेटेड एक पॉइंट और पढ़ेंगे, रिकंसिलेशन। नहीं, रिकंसिलेशन कैसे हम लोग दोनों के प्रॉफिट्स को मिलाते हैं। अरे वो याद है क्या अपना फाउंडेशन वाला? हाँ यार याद है, BRS वाला मैटर। बस वैसे ही यहाँ पे भी रिकनसाइल करना पड़ता है। किसको किससे रिकनसाइल करना है? हाँ, वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से क्या होता है, रिकनसाइल करना पड़ता है। समझ में आया? फिर अपन पढ़ेंगे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, सॉरी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब मुझे बताओ अगर अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड है तो एक ही बिजनेस का एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, तो प्रॉफिट भी वो एक ही शो करेगा, और प्रॉफिट एक शो करेगा तो रिकंसिलेशन का मैटर आएगा ही नहीं।
तो टोटल मिला के यहाँ पे अपने को तीन चीजें डिस्कस करनी है। ये चैप्टर एक है, पर इसके अंदर यूं देखे तो तीन पार्ट है, एक नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें रिकंसिलिएशन, और एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। समझ में आया? कुछ भी नहीं आए तो पूछ लेना, बाकी मुझे पता चलेगा नहीं। आपका कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सेपरेट चैप्टर है एकदम अलग से। तू क्या लाया, कॉफी लाया आज? हाँ, जब भी तू कॉफी दिखा रहा है दुकान, कौन सी वाली लाया? अरे एक तो ब्लैक कॉफी होती ना, ओ क्या बोले, ब्लैक कॉफी सस्ती होती है। कहाँ से, बाहर से भरवाई क्या? हाँ तो घर से लाया, अभी आता हूँ, ब्रेक में आ रहा हूँ। साथ में पियेंगे? चलो लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्या डेफिनेशन क्या लिखो बोलो? सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट ट्रांजैक्शन। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट ट्रांजैक्शन, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर, पढ़ के तुमको लगेगा वाह क्या पढ़ा दिया। क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और ये जिस जिसको नहीं आया ना, तो मतलब उसको बहुत तकलीफें हैं ऐसा बचपन से। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। There are two types of cost accounting system. First, non-integrated accounting system. Non-integrated accounting system. Non-integrated accounting system. Or second, integrated accounting system. नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे? नॉन इंटीग्रेटेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी यही सबसे ज्यादा होता है, मतलब 80-20% रेशो मान सकते हो। 80% इस पार्ट में से रहता है, 20% उस पार्ट में से, मतलब वेटेज ऐसा है कि ये फ्रिक्वेंटली आता है, वो भी आता ही है, पर पढ़ना तो पड़ेगा अपने को। क्या एडिंग डाला? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब तो आपको आता ही है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया? हाँ, सेपरेट जब मेंटेन करते हैं तो उसको नॉन इंटीग्रेटेड बोलते हैं। लिखो, व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। बहुत ध्यान से इन्वॉल्व होके लिखो, लिखते समय भी दिमाग चलना चाहिए, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा? व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर, हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कॉस्ट ट्रांजैक्शन। व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कॉस्ट ट्रांजैक्शन, then this system is known as non-integrated accounting system. Then this system is known as non-integrated accounting system. ठीक, अब क्या होता है देखो, non-integrated accounting system में क्या होता है? देखो थोड़ा सा ट्रैक के बाहर जा रहा हूँ, वापस ट्रैक पे आएंगे, पर ये समझना जरूरी है। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक तो होता है जर्नल, यहाँ सब्सिडरी बुक सिस्टम नहीं है।
क्या है, जर्नल। हर ट्रांजैक्शन की क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं। कहाँ पे? तो लेजर में क्या होता है, अकाउंट होते हैं। तो जनरली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो लेजर में क्या करते हैं, दे मेंटेन 4 लेजर्स। जैसे मैं बोलूं कि मेरा डेटर्स लेजर अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डेटर्स अकाउंट क्या किया, अलग बना दिया। मैं बोलूं मेरा क्रेडिटर्स लेजर अलग है, इसका मतलब मैंने क्रेडिटर्स लेजर क्या किया, अलग बना दिया। तो यहां पे भी ऐसे ही क्या होता है, लेजर जहां वो प्लेस जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यहां पे ये लोग क्या करते हैं, 4 लेजर मेंटेन करते हैं। मतलब इनके पास 4 अलग अलग क्या होता है, लेजर बुक होती है। एक होता है स्टोर लेजर, स्टोर लेजर। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जैसे मेरी बहुत सारी वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री हम लोग यूज करते हैं, हम लोग फिनिश गुड्स बनाने के लिए बहुत सारा क्या करते हैं, अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, अलग अलग तरह का हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं। सुन रहे हो? तो अब मान लो मुझे ए मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखना है, तो मैं इस स्टोर लेजर में क्या करूंगा बताए, ए मटेरियल अकाउंट बना लूंगा। फिर इसी तरह से बी मटेरियल, सी मटेरियल, डी ई, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं। तो हर एक मटेरियल अकाउंट क्या करेगा बताए, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन शो करेगा। मतलब देखो, स्टोर लेजर में किसके अकाउंट है, मटेरियल से रिलेटेड, और इसमें हर एक मटेरियल जो है ना, वो एक अपनी कैटेगरी ऑफ मटेरियल का क्या करेगा, अलग से बताएगा कि भाई कितना ओपनिंग था, क्या परचेज किया, कितना इश्यू किया, कितना बच रहा है। हेलो? जैसे स्टोर लेजर बनाते हो ना, ओपनिंग प्लस परचेज, फिर इश्यू करते हैं तो क्लोजिंग आ जाता है। तो यहां पे क्या होता है, हर अकाउंट में क्या होता है, उसका ओपनिंग कितना अपन ने परचेज किया, कितना हमने इश्यू किया, और कितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है। सुन रहे हो? इसी तरह से बी में बी का ओपनिंग परचेज इश्यू और बैलेंस आ जाएगा। तो उससे क्या फायदा है, पर्टिकुलर एक मटेरियल के रिगार्डिंग मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो अकाउंट देख सकता हूं। जैसे मिस्टर राम का अकाउंट है, तो राम के अकाउंट में क्या देखोगे, राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर देखने तो राम के अकाउंट में देख लो। नहीं आया? इसी तरह से एक होता है WIP लेजर। क्या होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर। ये क्या होता है पता है, यहां इसमें हर जॉब का एक अकाउंट बना देते हैं। WIP लेजर मतलब वो फैक्ट्री के अंदर जो बन रहा है उसका एक अकाउंट हो गया। तो यहां क्या होता है, हर जॉब का एक अकाउंट बन जाता है। अगर मैं जॉब बेस वर्किंग करता हूं तो हर जॉब पे जो कॉस्ट इनकर होती है वो अलग होती है। तो क्या होता है, हर जॉब का एक क्या होता है, अकाउंट बन जाता है। वो बता देता है कि उस जॉब पे कितना कितना एक्सपेंस हुआ है। मतलब उस जॉब पे जो मटेरियल इश्यू होगा तो अपन यहां पे डेबिट कर देंगे, जितना वेजेस लगेगा वो यहां आ जाएगा। तो अगर मुझे पर्टिकुलर एक जॉब की कॉस्ट फाइंड आउट करनी, तो मुझे ये पता होना जरूरी कि उस जॉब पे टोटल मैंने कितना एक्सपेंस किया। तो ये क्या बताता है, हर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता है। इसी तरह से एक होता है तुम्हारा फिनिश गुड्स लेजर। फिनिश गुड्स लेजर में क्या होता है, हर फिनिश गुड्स का, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, आज के बाद कभी बनाने की जरूरत नहीं है वैसे भी, पर कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन है इसलिए बात कर रहे हैं। तो फिनिश गुड्स लेजर में क्या होता है, हर तरह के फिनिश गुड्स का एक अकाउंट बन जाता है। वो क्या बताएगा, उसका ओपनिंग कितना, प्रोडक्शन हुआ कितना, सेल हुआ कितना, क्लोजिंग है वो बता देगा। समझ गए? और एक होता है जनरल लेजर, बाकी जो बचे कुछ अकाउंट है वो सब कहां बनते हैं, जनरल लेजर में। सुन रहे हो? अब जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो किसका बनता है, जनरल लेजर का बनता है। अब आपको भी पता है कि ट्रायल बैलेंस टैली तभी होगा, 5-10 मिनट लगेंगे थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होने में, मतलब एक इंटरेस्ट आएगा उसमें 5-7 मिनट लगेंगे आपको। तो जनरल लेजर में क्या होता है, जो फाइनल ट्रायल बैलेंस बनता है ना, ये देखने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अर्थमेटिकल एरर है या नहीं है, उसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, बैलेंस आता है किसका, अकाउंट का। तो वो ट्रायल बैलेंस बनता है किसका, जनरल लेजर का। तो जनरल लेजर का ट्रायल बैलेंस तभी टैली होगा जब हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट दोगे। सुन रहे हो? अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने मटीरियल परचेज किया, ए मटीरियल परचेज किया, तो डेबिट तो यहां हो गया, और क्रेडिट क्या होगा, यहां पे कोई अकाउंट आके क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जिसको समझ में आ रहा है वो मुझे बताओ, डेबिट यहां आ गया, क्रेडिट यहां आ गया, तो आप मुझे सोच के बताओ क्या जनरल लेजर में 2 इफेक्ट्स हुए या नहीं हुए? नहीं हुए।
वो एक तो चला गया स्टोर लेजर में और एक आ गया जनरल लेजर में। तो लफड़ा क्या है कि जनरल लेजर के अंदर वो सारे अकाउंट मिसिंग है जो मैंने यहां बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? ताकि मुझे हर मटेरियल का इंफॉर्मेशन अलग अलग मिल जाए। अगर मेरे एक से ज्यादा मटेरियल मतलब है ऐसे, तो नहीं है तो ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, ये जो यहां पे यहां सुन रहे हो क्या, लास्ट एग्जांपल समझ में आया? ए मटेरियल परचेज किया तो ए अकाउंट डेबिट हो गया और कोई दूसरा अकाउंट यहां पे आके क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो जिसको समझ में आ रहा है जनरल लेजर में डेबिट क्या है, मिसिंग है। क्यों? क्योंकि वो डेबिट कहां पे आ गया, स्टोर लेजर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी स्टोर अकाउंट है, नहीं 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 सुनो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये जितने भी मेरे स्टोर है ना, मतलब रॉ मटेरियल है ना, जैसे मेरे 10 मटेरियल है तो मेरे वहां 10 डिफरेंट अकाउंट है, तो मुझे उनको यहां भी क्या होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। नहीं आया होगा ना, आएगा आएगा, टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला, मेरे अगर 10 मटेरियल हैं तो ये मेरे 10 सेपरेट अकाउंट है, तो 10 सेपरेट अकाउंट क्यों बना रखे? जैसे स्टोर लेजर बनाते हैं वैसे ही यहां पे क्या हो गया, अकाउंट हो गया। मुझे हर अकाउंट से पता चल जाता है कि भाई कितना ओपनिंग था, कितना परचेज था, कितना इशू किया और कितना बच गया। पर प्रॉब्लम क्या है, इनको बाहर निकालने से क्या हुआ, जनरल लेजर में मिसिंग हो गया। तो जनरल लेजर में भी तो लाना पड़ेगा, तो दो इफेक्ट होंगे ना। तो मैं क्या करूंगा पता है, इन सारे अकाउंट को यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट और बना दूंगा, उसको मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा पता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये वर्ड आ रहा है स्टोर लेजर अकाउंट, ये स्टोर के साथ में लेजर वर्ड ही इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये स्टोर लेजर के जो अकाउंट है ना उनको रिप्लेस कर रहा है। नींद नहीं आ जाए बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में 10 मटेरियल परचेज किए तो इंडिविजुअली तो क्या होगा पता है, इंडिविजुअली यहां डेबिट होगा और वो टोटल में क्या होगा, यहां डेबिट होगा। तो मैंने जैसे मान लो कि ये 10 रुपए का, ये 20 का, ये 30 का परचेज किया, तो मैं यहां एक साथ क्या करूंगा, 60 में। तो वो जो रॉ मटेरियल अकाउंट जो तुम्हारा बना हुआ है ना, कहां पे, स्टोर लेजर में जो सेपरेट रॉ मटेरियल अकाउंट बने हुए, वो यहां पे मैंने क्या किया, एक साथ बना दिया। तो प्रैक्टिकली मुझे कभी ऐसा बनाना पड़ेगा ही नहीं, मुझे इंडिविजुअल स्टोर अकाउंट बनाना ही नहीं है, मुझे तो ये बनाना है। तो मैं ये लॉजिक क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड आता है। तो ये जो अकाउंट है ना, ये कोई एक मटेरियल का अकाउंट नहीं है, ये सारे मटेरियल का कंबाइंड अकाउंट है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, अलग अलग डेटर अकाउंट है और एक टोटल डेटर अकाउंट, वैसा है ये टोटल स्टोर अकाउंट है। क्या रॉ मटेरियल परचेज करा तो मैं ट्रायल बैलेंस इसी का बना रहा हूं ना, मैं इसका थोड़ा बना रहा हूं, पर डबल इफेक्ट तो नहीं आया ना। अरे मैं, मेरे को जिसका ट्रायल बैलेंस बनाना होगा उसी का डबल इफेक्ट दूंगा ना मैं, मेरे को ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसी का बनाना है। और मेरे को अगर ट्रायल बैलेंस इसका भी बनाना होता तो क्या होता है, ये एक चैप्टर था पहले फाउंडेशन में, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक चैप्टर था सीए फाउंडेशन में, पहले इंटर में था, फिर इंटर से वो फाइनल में आ गया, फिर फाइनल से भी हट गया। तो अगर मुझे यहां जैसे मेरा स्टोर लेजर अकाउंट है, ठीक है, जहां पे मेरा ए बी सी अकाउंट है, तो यहां पे क्या पता है, स्टोर अकाउंट है बाकी सब मिसिंग है। तो यहां पे मुझे एक कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पता है क्या, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वो उन सबको यहां रिप्लेस करेगा, किसको, जो यहां पे है और यहां नहीं है। तो फिर क्या होगा पता है, जब जैसे तुमने ए मटेरियल परचेज किया, हेलो, तो जब तुमने ए मटेरियल परचेज किया तो यहां पे ए अकाउंट डेबिट होगा और कोई यहां पे दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और फिर उसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा पता है, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। पर मुझे अगर मुझे इसको सेल्फ बैलेंस करना ही नहीं है, हेलो,
अगर मुझे इसको सेल्फ बैलेंस करना ही नहीं है तो फिर मैं यहां पे ये कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो मुझे जिसको सीधी है यार, डबल अकाउंटिंग इफेक्ट में जो मिसिंग है उसके लिए अपन क्या करते हैं, कंट्रोल अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक है बेटा, अरे आया क्या? तो अब इसीलिए मैंने इनिशियली बोला कि अपने को ट्रायल बैलेंस किसका बनाना है, जनरल लेजर। तो अपने को बैलेंस भी किसको करना है, जनरल लेजर को बैलेंस करना है। आया समझ में? इसी तरह से जिसको ये कहानी समझ में आ गई होगी ना, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगी कि यहां पे सारे जॉब अकाउंट अलग अलग बने हुए, तो इनको यहां रिप्लेस करने के लिए एक कंट्रोल अकाउंट बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ऐसी एक अकाउंट और बनेगा, कौन सा? फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वो क्या करेगा बताएं, इन सबको एक साथ रिप्लेस कर देगा। इसीलिए इन तीन के साथ में ही जनरली क्या लगता है, कंट्रोल नहीं लेजर अकाउंट, लेजर वर्ड यूज होता है, जैसे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये सिर्फ इन तीन अकाउंट के साथ में ही क्या होता है, ये लेजर वर्ड यूज होता है। कंट्रोल अकाउंट तो सबके साथ यूज होता है, मतलब आप कंट्रोल अकाउंट तो यूज ही मत करो। ये अकाउंट कौन सा हो गया, स्टोर लेजर अकाउंट हो गया। ये कौन सा हो गया, WIP अकाउंट हो गया। ये WIP लेजर अकाउंट हो गया। ये कौन सा हो गया, फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट हो गया। समझ में आया? तो किसी को नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई ज्यादा लोड नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे को स्टोर अकाउंट अलग अलग बनाने हैं, ना WIP अकाउंट अलग अलग बनाने हैं, ना फिनिश गुड्स अकाउंट अलग। पर अपने को ये पता चलना चाहिए कि ये जो अकाउंट है ना, ये एक्चुअल में जितने भी मटेरियल हैं उन सबका एक कंबाइंड अकाउंट है। और ये जो है ना, ये जितना भी अपन ने प्रोडक्शन किया फैक्ट्री के अंदर, ये उसका क्या है, कंबाइंड अकाउंट है। और ये जो है ये क्या है, ये फिनिश गुड्स का कंबाइंड अकाउंट है। आया समझ में? एक इशू तो ये था जो अपन ने डिस्कस किया। अब और इशू भी डिस्कस करते हैं। कुछ अपन बात कर रहे हैं कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है, सोना मना है, हर 5-10 मिनट में सोचते रहना यहां क्यों यार, कर क्या रहे हैं और जिंदगी में आए क्यों। वो तो पर्पस भी अलग हो सकता है, पर सबका अपना अपना पर्पस हो सकता है, जिंदगी में आए क्यों तो ठीक है, पर फिलहाल यहां क्यों आए उसका पर्पस सबका एक ही होना चाहिए ना, एक ही है ना पर्पस, तो क्या पढ़ना है और तो क्या है, समझना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, इंटीग्रेटेड में या नॉन इंटीग्रेटेड में? थोड़ा अलर्ट रहो ना, ऐसा लगेगी यंग जनरेशन बैठी है यूं कैसे हो रहा है तुम, कभी कोई यूं ढुल रहा है यार, कोई यूं ढुल रहा है यार, कोई यूं जा रहा है पसर रहा है यार ढुलो मत और पसरो भी मत, सीधे बैठो। क्या हो रहा है, तुम्हें ठीक नहीं है? अरे वो CS फाउंडेशन, अरे नाम नहीं बताना, नाम क्या है, बिरला, वो फाउंडेशन से इतना तो याद हो गया ना कि किसके नाम के पीछे क्या सरनेम है, वो नहीं पता कि किसका नाम क्या है। बिरला जी कैसे, एकदम बढ़िया, ठीक है। चलो हम लोग कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अपन ने बोला कि सर फाइनेंशियल अकाउंट अलग है, कॉस्ट अकाउंट अलग है। सुन रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा जिसको समझ में आएगा। हाँ बता रहा हूं, बताओ तो सही। अब क्या होता है कि कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल है, जैसे कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, BR, बिल्स पेबल, कैपिटल, गणा बहुत है इतना तो। इनका कॉस्टिंग में कोई लेना देना नहीं है, सुन रहे हो? बाकी जैसे कुछ कॉमन अकाउंट भी है, मटेरियल कॉमन है, दोनों जगह काम आता है, वेजेस एक्सपेंस जनरली सारे कॉमन है, जनरली एक्सपेंस सारे क्या है, कॉमन है। पर कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो नेचर में या तो पर्सनल है या रियल है, कुछ बोल रहा हूं सारे नहीं बोल रहा हूं, जैसे फिक्स एसेट्स है तो यहां भी काम आ सकता है डेप्रिसिएशन की वजह से, कुछ
पर्सनल और रियल अकाउंट है जो प्योरली फाइनेंशियल है। बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बिल्स पेबल, कैपिटल, ये सब ऐसे हैं जो प्योरली फाइनेंशियल है। वो ऑलरेडी मैं फाइनेंशियल अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूं, अगर मैं वो यहां भी मेंटेन करूंगा तो उसमें नया कुछ नहीं आएगा, इसलिए वो अकाउंट हम मेंटेन करते ही नहीं है, वो फाइनेंशियल में हो गए। अब कैश अकाउंट यहां बना के क्या करूंगा, डेटर पर्पज ही नहीं है ना, डेटर क्रेडिटर बीआर बिल्स पेबल कैपिटल यहां बना के क्या करेंगे, यहां बनाते ही नहीं है। फिर होता है लफड़ा। अब जैसे मैंने मटेरियल परचेज किया, सुनो मेरी बात, अब फाइनेंशियल अकाउंट में एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यहां परचेज अकाउंट नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, स्टोर अकाउंट होता है। क्या होता है? तो अभी जैसे मैंने बताया ना, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एक ही बात है, कंट्रोल अकाउंट बोलो एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो। तो मैंने क्या किया, मटेरियल परचेज किया, तो मैं क्या करूंगा, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा। अब या तो वो परचेज हुआ कैश में या वो परचेज हुआ क्रेडिट में, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाना चाहिए या तो कैश में या क्रेडिटर में, जो दोनों ही नहीं है। तो अब देखो इतना तुमको समझ में आ गया हो कि कुछ अकाउंट नहीं होते तो उनको रिप्लेस कर देते हैं अपन। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट यहां नहीं है उनको मैं यहां रिप्लेस करने के लिए क्या करता हूं, एक डमी अकाउंट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? वो होता है ना रेडीमेड गारमेंट्स के बारे नहीं देखते, डमी होता है वैसा, एक डमी अकाउंट बनाते हैं। उसका काम क्या है कि जो अकाउंट प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं और वो अगर एंट्री में डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं तो उसकी जगह मैं उस अकाउंट को जर्नल एंट्री पूरा करने में यूज कर लेता हूं। सुन रहे हो? उसको बोला जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कौन सा जनरल लेजर है पता है? फाइनेंशियल लेजर वाला। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर जो लेजर है ना वो ये वाला जनरल लेजर नहीं है। अब सोओगे तो समझ कैसे पाओगे तुम, है ऐसा तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा, बाद में पूछोगे सर ये जनरल लेजर में जनरल लेजर बन गया, ऐसा कैसे होने लग गया। तो ये जनरल लेजर कौन सा है? कॉस्टिंग का है। वो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर जो जनरल लेजर है ना उसके कुछ अकाउंट, अरे एक मिनट, इतना इंटरेस्टिंग है और इतना कॉन्सेप्चुअल है। तो अपन ने क्या बोला कि जो अकाउंट प्योरली क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट है, तो वो क्या मेंटेन करना, डबलिंग हो जाएगी वो। तो अपन लोग क्या करते हैं, हाँ वो जो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर वो जो अकाउंट बने हुए ना जनरल लेजर में उनको यहां रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस इज बेसिकली डमी अकाउंट, ये डमी अकाउंट है ठीक है। अब ये क्या पता है, एक से ज्यादा अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैश के लिए भी यही है, क्रेडिटर्स के लिए भी यही है, डेटर्स के लिए भी यही, बीआर बिल्स पेबल कैपिटल सबके लिए यही है जो यहां नहीं है। सबके लिए समझ में आया? तो अपने को जर्नल एंट्री बनाते समय नॉर्मली सोचना है, बस फिर अपने को क्या करना है, कैश डेटर क्रेडिटर बीआर बिल्स पेबल कैपिटल की जगह इसको रिप्लेस करना है। आया समझ में? तो दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी, एक तो मैंने क्या बताया कि हम लोग पढ़ क्या रहे, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट अलग होता है, मतलब एक ही बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंट अलग है और कॉस्ट अकाउंट क्या है, अलग है। फिर मैंने आपको समझाया कि जैसे अकाउंट्स में जर्नल लेजर होता है, यहां भी क्या होता है, जर्नल और लेजर होता है। जर्नल में जर्नल एंट्रीज होती है, लेजर में मैंने बोला कि वी कैन डिवाइड लेजर इन फोर पार्ट्स, मतलब मेरे अगर बड़ा बिजनेस है तो। अब मेरा एक ही तरह का मटेरियल है तो मैं काय को स्टोर लेजर मेंटेन करूंगा, मेरा फिनिश गुड्स एक ही तरह का होता है तो मैं क्यों फिनिश गुड्स लेजर बनाऊंगा। हेलो नहीं आया? अगर मेरे बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं, मैं बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉब परफॉर्म करता हूं, मेरे बहुत अलग अलग तरह के फिनिश गुड्स हैं, तो मैं अपने लेजर को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज तो एक है ही है जनरल लेजर। हेलो जनरल लेजर के अंदर जनरली तीन अकाउंट के साथ में, जनरली तीन अकाउंट के साथ में क्या होता है, लेजर वर्ड यूज होता है, और एक ये चौथा अकाउंट और हो गया, कौन सा, जनरल लेजर।
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ भी तो लेजर वर्ड यूज हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी लेजर के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया? अब जर्नल एंट्री कैसे होती है मैं बाद में बताता हूं, पहले अपन लॉजिक समझते हैं, फिर जर्नल एंट्री आप खुद बनाने लग जाओगे, गारंटी है। अगला घंटा डेढ़ घंटा अगर आपने ढंग से पढ़ा ना, तो एंट्रीज लर्न करने की जरूरत कम पड़ेगी, समझ में ज्यादा आ जाएगी, पर बशर्ते कि आप जग के सुन रहे हो। अभी मैं आपको यह समझा रहा हूं कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में जो हम लोग लेजर मेंटेन करते हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो अकाउंट का जो फॉर्मेट है ना वो ऑलमोस्ट कॉस्ट शीट जैसा है, अकाउंट्स का जो सीक्वेंस, ऐसा बोल दो, फॉर्मेट छोड़ो, अकाउंट्स का जो सीक्वेंस है ना वो ऑलमोस्ट कॉस्ट शीट जैसा है। पानी वाणी पीता रहना, नींद नहीं आनी चाहिए बस। जैसे कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल होता है, फिर वेजेस होता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फिर WIP आता है। मैं ही बोल रहा हूं, कॉस्ट शीट में पहले मटेरियल, फिर लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, WIP, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर फिनिश गुड्स। आया क्या? वो सीक्वेंस है। तो यहां पे सबसे पहले, ऐसा यूं कोई सीक्वेंस नहीं पर अपन सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं, आप सबसे पहले यहां पे बना लो डमी अकाउंट, कौन सा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अपने उन अकाउंट को रिप्लेस कर रहा है जो यहां नहीं है। कहां पे है वो? फाइनेंशियल अकाउंट के जो जनरल लेजर है उसके अंदर है। सुन रहे हो? फिर बनता है एक यहां स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो भी नाम बोलो। फिर एक यहां पे बनता है वेजेस अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाते, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई अकाउंट नहीं, प्राइम कॉस्ट का कोई अकाउंट नहीं। फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद बनता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फिर बनता है फिनिश गुड्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिर बनता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर बनता है कॉस्ट ऑफ सेल, फिर बनता है कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। जो कॉस्ट शीट है वो खुल गई, अच्छा, मतलब हर एलिमेंट खुल के आ गया, ठीक है। कौन सा? हाँ हाँ वही, मैं तो शॉर्ट में लिखा WIP लेजर। जब मैं ये समझाऊंगा कि तीन के साथ लेजर आएगा तो आएगा ही ना, स्टोर लेजर, WIP लेजर और फिनिश गुड्स लेजर। बाकी एक ये और लेजर आ रहा है यहां पे, उसके अलावा किसी के साथ में लेजर वर्ड पुराने बैचों में पूछ लिया, तब से मैं समझाना चालू कर दिया, पहले तो समझाते नहीं थे क्या है, फिर पूछ लो ये इनके साथ ही क्यों लेजर, ये इन बताना पड़ेगा, कुछ को तो पता ही नहीं होता है, पूछते भी नहीं है कुछ, पर ठीक है। अब मैं एडवांस में बता देता हूं कि ये लेजर वर्ड क्यों आ रहा है, फिर वो तो सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर क्यों नहीं आ रहा है, उसका लेजर कोई होता ही नहीं है, इसलिए। समझ गए? ठीक है, अब जो बताऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी नया है ना, मैं तो ना अब जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स, ऐसे कैसे बोलूंगा भाई, 10 मिनट सो जाओ, कुछ काम का नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा फिर, तो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं अगला डेढ़ घंटा अगर समझ में आएगा तो चैप्टर बहुत इजी है, और नहीं आएगा तो फिर बहुत तकलीफ है, वो कह रही अभी से ही तकलीफ है। सबका देखो क्या होता है, अपना अपना समझाने का एक तरीका होता है, मेरा एक अपना यूनिक वे है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, एंट्रीज बनाने के लिए एक अपना एक तरीका है, वो तरीका अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो लाल लाल सर्कल दिखे ना तुमको, ये फैक्ट्री के तीन सेक्शन है, ये स्टोर रूम है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये वेयर हाउस है, ठीक है। अब ये जो स्टोर रूम है ना, स्टोर रूम दिख रहा है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि
ये स्टोर का इनफ्लो आउटफ्लो है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना अपना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि सेल को छोड़ के बाकी सब कॉस्ट पे आते हैं, सेल सेलिंग प्राइस पे आता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, जीपी आ जाता है। ये पूरा किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। तो ये जो अकाउंट है ना बेटा, ओ बेटा ये जो अकाउंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोर को, रॉ मटेरियल को। मतलब जब भी आपके पास रॉ मटेरियल आएगा तो ये अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से, जब भी मटेरियल आएगा ना तो ये अकाउंट डेबिट होगा, जब भी मटेरियल जाएगा तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉजिकल बात है, बिल्कुल रटने जैसा कोई मैटर ही नहीं है। समझ गए पक्का? ये क्या पता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी इनपुट हुआ है वो यहां आएगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगते हैं, वो सब यहां पे आएगा, इनपुट साइड है ना। नमन समझ में आया कुछ? इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या है ये? ठीक है, समझ गए ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट स्टोर पे लगा सकते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है, जो जो यहां इनपुट होगा ना वो सब डेबिट हो, इनपुट इनपुट, और जो भी यहां से जाएगा वो क्रेडिट होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये मेरा क्या है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो यहां से गुड्स बन के कहां जाएगा, फिनिश गुड्स में। यहां से गुड्स बन के कहां जाएगा, वेयर हाउस में जाएगा। बोलो, समझ गए? ये मेरा फिनिश गुड्स अकाउंट है, वही सेम फिनिश गुड्स जब आएगा ना इसके अंदर तो डेबिट होगा, जब यहां से जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो आया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब मैं आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगा, ऐसा आइटम वाइज, पहले मटेरियल की एंट्री समझाऊंगा, फिर लेबर की एंट्री समझाऊंगा, फिर ओवरहेड्स की एंट्री समझाऊंगा, फिर उसके बाद बची हुई जो एंट्रीज है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल की एंट्रीज देखते हैं। उसके लिए और ज्यादा कुछ नहीं, तो ये तो ध्यान रखना कि ये रॉ मटेरियल स्टोर है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये क्या पता है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा फैक्ट्री का स्पेस है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ये सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। अब मुझे बताओ, मटेरियल में जैसे अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर मटेरियल में बात करें तो मटेरियल में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, तो वो इस अकाउंट में आ जाएगा। बैलेंस क्या है, नॉर्मल है ना। फिर अब बताओ, चलो मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सोचो, मटेरियल हमने क्या किया, परचेज किया। नॉर्मली सोचो, मटेरियल परचेज करोगे तो आएगा ना, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। अब क्रेडिट होना चाहिए कैश या क्रेडिटर, तो कैश और क्रेडिटर तो मेरे पास है ही नहीं, उनकी जगह मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, लो बन गई एंट्री। मटेरियल परचेज किया तो फाइनेंशियल अकाउंट में एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, यहां पे उसकी एंट्री होती है। ये बच्ची बोल रही है, हाँ बेटा बोलना तो देखें। और क्रेडिट परचेज किया तो वही होगी, तो मटेरियल परचेज किया तो एंट्री क्या होगी अपनी, सोल्ड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट, बहुत नॉर्मल है। आया क्या? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता ना कि सप्लायर अपने को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया, डिफेक्टिव मटेरियल दे दिया, वो हम अब वापस क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, स्टोर जाएगा, तो ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब कैश या क्रेडिटर की जगह क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। वर्मा जी, परचेज की एंट्री क्या बनी? ठीक है, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएलए, प्यार से बोलेंगे जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बोलते बोलते ही सांस चढ़ जाए, जीएलए। तो इसको एसएलए टू जीएलए बोल सकते हैं। एसएलए क्या है, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर रिटर्न किया तो
हाँ जीले अकाउंट डेबिट टू ऐसे ले, ठीक है। अब क्या होता है और बताओ, मटेरियल और सोचो क्या क्या होता है। मटेरियल इश्यू होता है तो प्रोडक्शन में भी इश्यू होता है, अदर देन प्रोडक्शन भी इश्यू होता है। क्या लगता है जो मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू होगा तो स्टोर से कहां जाएगा वो? स्टोर से डब्ल्यू प्रोडक्शन में जाएगा ना, तो प्रोडक्शन के लिए वो इनपुट है। कुछ टाइम बाद इतने टिकड़े हो जाएंगे ना कि पता नहीं चलेगा कि कौन सा कब लगा। वो डायलॉग याद है? हाँ, कौन बोला रही है? इतने छेद हो जाएंगे कि क्या दर आगे, इतना ही याद है, बोले इतना ही आता है हमको तो इतने टिकड़े हो जाएंगे ना कि बाद में पता नहीं चलेगा कौन से टिकड़े का कौन से टिकड़े से रिलेशन है। ये टिकड़ा है ना, ये टिक टिक टिक, ये क्या बोलते हैं उसको, टिक बोलते हैं ना, टिक मार्क। बहुत सारे टिकड़े हो गए। अभी मेरे को बताओ, मटेरियल डायरेक्ट इशू किया तो क्या करोगे? हाँ तो ये, हाँ डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट, कितना इजी है। आया समझ में? कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मटेरियल हमने इश्यू कर दिया, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बचा हुआ है वो रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो बस स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर नया। कभी कभी मटेरियल फैक्ट्री में या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में अदर देन प्रोडक्शन भी इश्यू हो जाता है, जिसको नमन अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं? तो इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो फैक्ट्री में या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में या सेलिंग डिपार्टमेंट में अदर देन प्रोडक्शन कहीं यूज हो जाए। नया तो तुमको नहीं लगता मटेरियल डायरेक्ट इश्यू हो चाहे इनडायरेक्ट, स्टोर से तो जा ही रहा है, बस जाने की जगह अलग है। तो अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू हुआ है तो यहां तो क्रेडिट होगा और वो रेस्पेक्टिव ओवरहेड में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड इन फैक्ट्री तो मैं क्या बोलूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। सो गए तो समझ में नहीं आएगा, जगते हुए मेरी गारंटी है कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आए, पर सोते हुए तो कोई एश्योरेंस नहीं है कि समझ में आएगा, पर जगते हुए मेरी गारंटी कि अगर आपने 1.5 घंटा मुझको ढंग से सुन लिया और समझ लिया तो इस चैप्टर में तुमको एंट्रीज लर्न नहीं करनी पड़ेगी, खोपड़े में दौड़ेगी। ठीक है, और बोलो क्या क्या हो गया। मटेरियल परचेज हो गया, रिटर्न हो गया, डायरेक्ट मटेरियल इश्यू हो गया, नहीं, एक्सेस मटेरियल रिटर्न भी आ गया, और इनडायरेक्ट मटेरियल भी क्या हो गया, इश्यू हो गया। और बताओ मटेरियल में, मटेरियल से रिलेटेड ऐसा हो सकता है ना, मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, नहीं मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब मतलब एक जॉब के लिए मटेरियल परचेज किया। क्यों? क्योंकि वैसा प्रोडक्ट हम बनाते नहीं है, पर वो जॉब के लिए अपन ने परचेज कर लिया। जैसे फाउंडेशन में भी मैंने तो एग्जांपल दिया था, याद हो तो, इंटरचेंजेबल इन्वेंटरी और नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंटरी समझाई थी आपको मैंने, तब याद है अपन ने बोला था टूथपेस्ट बनाते हैं, पेस्ट पेस्ट, टूथपेस्ट में कैल्शियम इंटरचेंजेबल इन्वेंटरी है, सब में ही काम आती है, कैल्शियम खरीद लो गलत बात कर रहा है देख राजा बेटा, मैं पढ़ाने के साथ दूसरा काम यही करता हूं, क्या जगाने का नहीं, मैं ढूंढता हूं कौन सो रहा है अब तुम ऐसे बैठोगे तो नींद तो आनी है ना यार। यार चलो बेटा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक अपन ने बात की, ठीक है 2 मिनट वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने स्टोर परचेज किया तो क्या एंट्री करोगे, स्टोर परचेज करोगे तो स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएलए, और अगर एक्स अपन ने सप्लायर को रिटर्न किया तो जीएलए टू एसएलए। ठीक है, अगर अपन ने डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में
अब फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है रे, डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्या एंट्री करोगे? WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया तो रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, समझ गए? और एक्सेस मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आ जाए, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू WIP, ठीक है? अब और सोचो स्टोर से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज हो सकती है, स्टोर से रिलेटेड और फ्लो बताओ। हाँ, लॉस, लॉस का कोई भी रीजन हो सकता है, तो अगर जैसे कोई लॉस होगा तो भी स्टॉक तो आउटफ्लो हो गया होगा ना भाई, लॉस हुआ है तो क्या होगा, आउटफ्लो तो हो गई होगा। अब क्या होता है कि अगर मान लो लॉस हो गया तो हम कह रहे हैं कि लॉस यहां पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब वो कहां जाके डेबिट होगा वो डिपेंड करता है कि वो लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सुन रहे हो? अगर लॉस नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सबके साथ होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, लॉस मतलब सबके साथ होता है, सुन रहे हो? तो अगर कोई लॉस नॉर्मल है ना, तो वह मैं डायरेक्टली तो प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसका किसी प्रोडक्ट से रिलेशन नहीं है। अरे यार, 10 यूनिट खरीदी, एक यूनिट लॉस्ट हो गई, नॉर्मल है, होता है, तो अपन उसको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर सकते, तो मैं डायरेक्टली तो उसको जॉब पे या प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकता, पर मैं इनडायरेक्टली चार्ज करके उसको वसूलना चाहूंगा। सुना? ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था इन्वेंट्री में, कंसाइनमेंट के वक्त भी दिया था कि मान लो हम फ्रूट सेलर हैं, हम फ्रूट सेलर हैं और एक ऐसा पैकेट में हम लोग फ्रूट्स परचेज करते हैं, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, एक से लेके 10 यूनिट है, ये पैकेट हम 900 में परचेज करते हैं। सेम एग्जाम्पल, सेम अमाउंट, कुछ चेंज नहीं है, 900 रुपए 10 के देते हैं, मतलब पर पीस कितना होता है, 90 होता है, पर इसकी पैकिंग की वजह से ये जो सबसे नीचे वाला प्रोडक्ट है ना, ये हमेशा फ्रूट डैमेज होता है, वेट की वजह से क्या होता है, ये खराब हो जाता है और ये सेलेबल नहीं है। अब बताओ अगर आप डेली 9 प्रोडक्ट ही बेचोगे तो आप 900 रुपए में परचेज करोगे और आप सेल 110 के करोगे तो हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो जो नॉर्मल लॉस है सबके साथ होता है, तो नॉर्मल लॉस को हम लोग हमेशा प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट, और जो चीज इनडायरेक्टली चार्ज होती है वो ओवरहेड होता है, क्या होता है? और मैंने ये भी उस एग्जाम्पल में बोला था, याद हो कि एक दिन मेरे हाथ से वो पैकेट छूट गया, वो पैकेट छूट गया और लास्ट की 2 यूनिट डैमेज हो गई, तो एक दो जो लॉस हुआ, एक तो नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल सबके साथ होता है, सब उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, एबनॉर्मल सिर्फ मेरे साथ हुआ, और उसको मैं रिमेनिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट पे चार्ज करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, समझ में आया? बस बस वही लॉजिक है, वही सब कुछ है। अगर लॉस नॉर्मल है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, मतलब फैक्ट्री के अदर एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। अब ये मत कहना सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों नहीं है, अरे लॉस कहां पे हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। हेलो, और अगर लॉस एबनॉर्मल है तो मैं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकता, PNL में ट्रांसफर करना पड़ेगा। काबरा लॉस की, नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या हुई, ये देखो सही बोल रहा है तू, हाँ, PNL अकाउंट डेबिट टू अपना घर, अब तुम मुझे बताओ कैसे लोगों को समझ में आएगा, इतना क्लियरली समझाने के बाद अगर आपको इंस्टेंटली पूछ लेते हैं एंट्री क्या होगी तो तुम एंट्री नहीं बता सकते, अब तुम किस माइंडसेट से समझते हो? अब कोई काबरा को पूछेगा क्लास से निकलने के बाद इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड समझ में आया क्या, तो क्या कहेगा, कुछ नहीं, ओवरहेड है। तो वो यही बोलेगा ओवरहेड है, अब उसकी ओपिनियन लेओगे तो वो यही बोलेगा आज तो ओवरहेड हो गया, ये थोड़ा बोलेगा मैं सो रहा था इसलिए ओवरहेड हो गया।
कुछ याद आया? काबरा? ए ऐसे सो मत यार। ठीक है, वॉइस अच्छी है सुनने में, ठीक लग इतना भी क्या फर्क ही, सुनते सुनते मतलब आदमी सोने पे आ जाए। वो तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलू जब, अब माइक की आवाज तेज कर देता हूँ, डिस्टरबेंस होता होगा। अरे समझा के एंट्री पूछ रहा हूँ यार, जिसमें तुम तुम्हारी हालत देखो कैसी है। वो तो ऑनलाइन में तो तुम क्या करते होंगे, रिकॉर्डिंग में मतलब, तो देखे कैसे अपनी इतना अपना वो इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ने में, क्या करें अब। चलो तो अगर लॉस नॉर्मल होगा तो प्रोडक्ट पे चार्ज होगा, क्योंकि वो लॉस सबके साथ होता है, तो सब लोग ही प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं, कस्टमर से वसूल हो। एबनॉर्मल अपनी वजह से हुआ है, वो हम लोग प्रॉफिट से चार्ज करते हैं, अपना प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर लॉस नॉर्मल हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अगर लॉस नॉर्मल हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। नहीं, अपने को ऐसी कोई और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। आया गया? yes, पक्का? मटेरियल yes, कौन है रही है? क्या हो गया रे, कौन डांट रहा है एक दूसरे को? चलो वापस एक बार बोलो, ठीक है। अब ये मत बोलना बार बार क्यों बुला रहे हैं, ये एक्चुअली क्या बहुत बेसिक है, अपन ने आज तक कभी नहीं पढ़ा, तो उसको माइंड में एक बार फ्रेज करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तो अपने को समझ में आएगा कि भाई क्या हुआ। तो ये समझ के, स्टोर इनफ्लो डेबिट होता है, आउटफ्लो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अगर जैसे आपने स्टोर परचेज किया तो क्या एंट्री बोलोगे? जगह खाली कर लेते हैं। अगर आपने, किधर नहीं आ रहा है वो, इधर देना, इसके पास पड़ा है बैटरी के पास। हाँ चलो क्या नोटिंग कह रहे हैं, आ गया आ गया। चलो बेटा, स्टोर परचेज करोगे तो स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अगर अपन ने सप्लायर को रिटर्न किया तो जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर स्टोर लेजर एडजस्टमेंट। मटेरियल डायरेक्टली इशूड टू प्रोडक्शन, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होगा, अच्छा इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ तो क्रेडिट तो यही होगा और डेबिट हो जाएगा रेस्पेक्टिव ओवरहेड, तो एंट्री होती है रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया? नॉर्मल लॉस हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट, और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया? फिर एक मैं आपको बता रहा था, वो अपना डायरेक्ट मटीरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। अब मेरी बात बताओ, अगर मैंने स्पेसिफिक जॉब के लिए परचेज किया तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि पहले मैं उसको स्टोर करूंगा फिर इश्यू करूंगा। अरे अभी कुछ घर पे पनीर का आइटम बन रहा है तो पनीर लेके आए तो क्या फ्रिज में रख के फिर लोगे क्या? क्या करोगे? डायरेक्ट ही यूज करेंगे ना, तो बस वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब है तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू जीएलए। डायरेक्ट मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, तो वो सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही जाएगा, स्टोर हुआ ही नहीं वो, तो फिर उसकी एंट्री होती है डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू जीएलए। ये मेरे हिसाब से मटेरियल से रिलेटेड ऑलमोस्ट एंट्रीज डन। आया समझ में?
अब आपको समझाता हूं वेजेस से रिलेटेड कि भाई वेजेस से रिलेटेड क्या एंट्रीज होती है। तो जैसे ये वेजेस अकाउंट है, वेजेस क्या है बेसिकली, पूरी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको जो सैलरी या वेजेस दे रहे हो वो वेजेस है, ठीक है। अब क्या होता है जब आप वेजेस पेमेंट करते हो, क्या करते हैं वेजेस, अगर जब अपन पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बस उस एंट्री को यहां कन्वर्ट कर लो, वेजेस जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, क्या रे उसकी एंट्री क्या करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अब ये इधर बेसिकली क्या है, टोटल वेजेस है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनर्ड ये सब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, यहां नहीं होते हैं। तो अपन ने वेजेस जो पेमेंट किया, वेजेस पेमेंट किया तो नॉर्मली एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अब इसमें से क्या होगा, जो डायरेक्ट वेजेस है वो यहां ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये इनपुट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल के साथ साथ वेजेस भी तो इनपुट करना पड़ेगा ना। तो जो डायरेक्ट वेजेस है मतलब उन वर्कर्स का वेजेस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो यहां से क्या होगा, यहां आ जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, वेजेस कंट्रोल, वेजेस एडजस्टमेंट, जो भी बोलो, समझ में आया। और जो इनडायरेक्ट वेजेस है फैक्ट्री का या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का या सेलिंग का, वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो तीन एंट्रीज मैंने बोली, पहला वेजेस पेमेंट की एंट्री बोली, वैसे नॉर्मली वेजेस टू कैश होता है, अभी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस टू जीएलए। जिसको जाननी है बोल देना, मैं फिर समझा दूंगा, पर बाहर आके मत बोलना समझ में नहीं आया, समझ में आया। तो जैसे होता ना अपन कैसा फील करते हैं, जैसे होता ना अपन ट्रिप पे जाते हैं, बोलो आज के आनंद की, तो अपने को फील होता अच्छा वास्तव में आनंद आया। सब अब क्लास के बाहर आप जब निकलते हो तो कैसे फील करते हो, यार आज तो बहुत अच्छा समय में आया, तो अच्छा आया, समझे क्या बोला। और अपन बाहर निकल के यार आज क्या आया आज, तो अपने को भी डाउट होने लग जाता, आया ही नहीं आया। इसलिए हमेशा फील गुड रहो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फटाफट से पूछ लो, अपन यही डिस्कस कर लेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं अपने को क्लास के। चलो थोड़ा सा लेबर में और समझा देता हूँ, फिर लिखते हैं थोड़ा सा। हाँ तुम लोग जाओगे जब लेबर में, लिखा दूंगा मैं, ठीक है। अभी थोड़ा और समझा देता हूँ। तो अभी तक वेजेस में अपन ने तीन एंट्रीज बोली, एक वेजेस पेमेंट की एंट्री बोली, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए, एक अपन ने बोला फिर इसमें से जो डायरेक्ट वेजेस है वो क्या होगा, डब्ल्यू आई पी पे चार्ज हो जाएगा, उसकी एंट्री होती है डब्ल्यू आई पी लेजर टू वेजेस, और जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो रेस्पेक्टिव ओवरहेड में चला जाएगा, तो रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अब क्या होता है, जैसे वर्कर्स को जब अपन वेजेस देते हैं, जैसे मटेरियल में लॉस होता है ना, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, वैसे ही बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम वर्कर को वेजेस तो देते हैं पर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब हमने वेजेस तो पे किया लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो वो टाइम का वेजेस तो गया पर प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा टाइम बोलते हैं उसको, पता है नाम सुना है कभी, आइडल टाइम। क्या होता है आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब जो टाइम वेस्ट हो गया, सुन रहे हो। yes, अब मेरी बात ढंग से समझना, जैसे हमारा एक वर्किंग डे 8 आवर्स का होता है, देखो कॉस्टिंग में जितनी भी बातें सब कॉमन सेंस से रिलेटेड है, जल्दी समझ में आ जाएगा जिसका सेंस अच्छा है, ठीक है। 8 आवर्स का या यूं कह लो चलो 10 आवर्स का डे होता है, ठीक है, हमारी फैक्ट्री में 10 आवर्स का एक डे होता है और हम वर्कर को 90 रुपीज पे करते हैं पर आर। तो यूं हिसाब किताब लगाएं तो 9 रुपीज पर आर हो गया, 9 रुपीज, 90 रुपीज पर डे, सॉरी यहां लिखा ना 90 रुपीज पर डे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आवर्स हो गए। तो हमारा वर्किंग का सीन क्या है, 10 आवर्स ए डे होता है और 90 रुपीज पर डे हम लोग वर्कर को क्या करते हैं, पे करते हैं। तो 90 रुपए हम लोग पे कर रहे हैं, कितने आवर्स के, 10 आवर्स के।
तो पर आर कितना हो गया, 9 रुपए हो गया, ठीक है। तो अपने को पता है बी ठीक है, आर्ली 9 रुपए अपन देते हैं, तो ये जो वर्कर को अपन पे कर रहे हैं ये किससे वसूलोगे, कस्टमर से, कैसे, कॉस्ट में ऐड करके। तरीका सीधा है, कॉस्ट में ऐड करो और कस्टमर से वसूल लो। अब क्या हुआ कि वर्कर यहां पे आया मॉर्निंग में और उसने एक जॉब परफॉर्म किया, उस जॉब को परफॉर्म करने में उसको 4 आवर्स लगे, ठीक है। तो मैं ये 4 घंटे का, एकदम कॉमन सेंस है, ढंग से समझना, तुम्हारे बिल्कुल कनेक्शन में नहीं है, आप ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, 4 आवर्स का जो वेजेस है वो उस जॉब पे क्या किया, चार्ज करके वसूल लिया। तो आर्ली 9 × 4 के हिसाब से 36 रुपीज उस जॉब की लेबर कॉस्ट है। तो मैंने उस जॉब पे चार्ज करके उस कस्टमर से क्या किया, वसूल लिया। सुन रहे हो? फिर क्या हुआ, लंच टाइम हो गया, 1 आवर क्या हुआ, लंच टाइम हो गया। अब लंच टाइम पे तो ये नहीं बोल सकते खाना खाता था काम करता था, और या तो यूं नहीं कह सकते भी आने के पहले कर या जाने के बाद कर, हमारे यहां पे क्या है बोलो, ये तो नॉर्मल वेलफेयर में आता है भाई खाना खाने को, तो इंसान को तो 1 आवर बीच में क्या हो गया, लंच टाइम हो गया। अब मुझे बताओ क्या इस लंच टाइम का तुमने पेमेंट किया या नहीं किया? किया। हेलो, जिसकी अक्कल काम कर रही है वो बताओ मुझे, इस आर में और इस आर में क्या डिफरेंस है, सिमिलर क्या है दोनों में, दोनों का हमने 9 रुपए पे किया, फर्क क्या है कि इस टाइम में प्रोडक्शन हुआ, इस टाइम में प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो इस टाइम का जो लेबर कॉस्ट है ना, वो मैं एक जॉब पे चार्ज कर सकता हूं कि भैया ये टाइम पे ये काम किया है, पर हुआ क्या बताओ, ये जो है ना ये वाला टाइम, ये तो लंच टाइम में निकल गया, तो अपन ने पे तो किया पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये टाइम आपके लिए क्या है, आइडियल टाइम। सुना? अब क्या होगा, फिर खाना खाने के बाद उसने एक जॉब परफॉर्म किया 5 घंटे में, 5 घंटे में एक जॉब परफॉर्म कर लिया, तो 5 आवर्स × 9 के हिसाब से 45 चार्ज करके वसूल लिया। अब जिसका कॉमन सेंस काम कर रहा हो वो मुझे बता देना टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है, कि आपने पे तो 90 किया पर आपने, उसने 9 आवर्स ही कोई काम किया, तो 9 आवर्स जो काम किया उस पे मैंने 9 रुपीज के हिसाब से 81 उस प्रोडक्ट या जॉब पे चार्ज करके कस्टमर से वसूल लिया। पर हुआ क्या कि 1 आवर × 9 के हिसाब से 9 रुपए का वेजेस, अब मैं कुछ उसको किसी एक प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो ये मेरे लिए एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 90/9 कर दूं, 90 रुपए। मैं क्यों बोलूं मैं 10 घंटे का दे रहा हूं, मैं तो ये बोलूंगा ना कि 90/10-1, मतलब मैं 90 रुपए 9 आवर्स के लिए दे रहा हूं, तो मेरा आर्ली वेजेस कितना हो गया, आर्ली वेजेस 10 हो गया। दिस इज नोन एज इन्फ्लेटेड रेट मेथड। क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्टिंग में आएगा तब पढ़ेंगे ये भी, पर दिस इज इनिशियली वी कैन से इन्फ्लेटेड है। मैंने रेट को क्या किया, बढ़ा दिया, और बढ़ा के मैंने क्या किया पता है, सब पे 9 के बजाय क्या करूंगा, 10-10 चार्ज करूंगा। बोलो, ऐसा किया तो मुझे इस 1 आवर के वेजेस के लिए कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये 1 आवर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइड कर दिया वैसे ही नहीं आया। मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं इन्फ्लेटेड नहीं मानू तो मैं मान सकता हूं कि ये फैक्ट्री का ओवरहेड है, और बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कि ये जो है ना ये पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए उसने वर्क किया, यहां पे कोई भी जॉब नहीं किया। बोलो, तो आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, आइडल टाइम मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइम जिसके लिए हमने वेजेस तो पे किया पर प्रोडक्शन नहीं मिला, वो आइडल टाइम है। अब आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या है, या तो मैं उसको इन्फ्लेटेड कर दूं, इन्फ्लेटेड मतलब बाकी जो आवर्स है उनका रेट क्या करूं, बढ़ा दूं। तो अगर मैं इन्फ्लेटेड करूंगा तो मुझे उसका सेपरेट ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। और एक ऑप्शन और ये है कि मैं ये मान लूं कि मेरा ये जो 1 आवर का वेजेस है ना, ये मेरे फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस है, तो मैं इसको फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दूं, फिर वो वहां से सारे प्रोडक्ट्स में क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा इनडायरेक्टली। नहीं आया?
तो अगर मैं इन्फ्लेटेड रेट लेता हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल आइडल टाइम के लिए। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड मानता हूं तो फिर मेरा नॉर्मल आइडल टाइम यहां से क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। बोलो। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के वर्कर का कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका तो सारा वेजेस ही क्या है, इनडायरेक्ट है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का भी वेजेस का इश्यू नहीं, क्योंकि उसका सारे वेजेस भी क्या है, इनडायरेक्ट है। नहीं आया? तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर है उसका जो वेजेस क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर है जिसका आइडल टाइम का जो वेजेस नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो लंच ब्रेक तो देना ही पड़ेगा ना उसको, तो वो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। सुना? और एक दिन क्या हुआ पता है आपको, एक दिन क्या हुआ, जैसे अपन ने क्या बोला था, 90 रुपए हम देते हैं एक दिन का, कितने आवर्स है रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो यहीं तक ही ले लेते हैं, हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको पता है कि यार एक घंटा वो लंच ब्रेक लेता है, चाहे वो फिफ्थ आर हो या सिक्स्थ आर, तो जो भी हो, वन आर वो क्या करता है, लंच ब्रेक लेता है। और एक दिन क्या हुआ, वन आर लाइट्स चली गई, या मशीन ब्रेक डाउन हो गया, या वेटिंग फॉर मटेरियल है, मतलब मटेरियल ही नहीं स्टोर में, या वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन है, काम खत्म कर लिया उसको अगला इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा कि क्या करना है। हेलो। तो उसने क्या किया, एक और वन आर ऐसा निकाल दिया जिसमें उसने कोई काम नहीं किया। किसकी वजह से, गलती उसकी नहीं, गलती अपनी है। मटेरियल पहले ही होता, लाइट्स नहीं जाती, मशीन ब्रेकडाउन नहीं होता, टाइम पे रिपेयर होता, इंस्ट्रक्शन पहले ही मिल जाता तो ये काम हो जाता। तो बेटा इस केस में ये भी क्या है पता है, आइडल टाइम है, ये भी आइडल टाइम है। फर्क क्या है, ये अनअवॉइडेबल है, ये अवॉइडेबल है, ये एबनॉर्मल है, ये हर इंडस्ट्री में होता है, ये हर इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी जॉब पे चार्ज नहीं कर सकता। तो अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ, तुमको इस चैप्टर में कोई ये नहीं बोलेगा कि नॉर्मल आइडल टाइम निकाल के बताओ या एबनॉर्मल आइडल टाइम निकाल के बताओ, दैट वी विल डिस्कस इन लेबर कॉस्ट। पर अभी तो तुमको सिर्फ ये दिया होगा भाई, टोटल लेबर कॉस्ट इतना, इसमें से नॉर्मल आइडल टाइम इतना है और एबनॉर्मल आइडल टाइम वेजेस इतना, अपने को उसका ट्रीटमेंट लॉजिकली समझ में आना चाहिए। कॉस्टिंग बहुत ईजी होती है, फंडे दो ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है वो प्रोडक्ट पे चार्ज कर, जो इनडायरेक्ट है वो ओवरहेड है, वो सब पे कॉमनली चार्ज होगा। और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार्ज नहीं हो सकता वो अपने प्रॉफिट पे चार्ज करो, एबनॉर्मल। आया क्या? तो वेजेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं ना, वेजेस से रिलेटेड भी 4 से 5 एंट्रीज नॉर्मली बनती है। पहला वेजेस पेमेंट किया तो उठ के बोलो बताओ एंट्रीज क्या होगी। जब आप वेजेस पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए, ठीक है। फिर उसमें से जो डायरेक्ट वेजेस होगा डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, जो इनडायरेक्ट वेजेस होगा फैक्ट्री ओवरहेड रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस। नॉर्मल आइडल टाइम के लिए अगर आप इन्फ्लेटेड रेट फॉलो करते हो, सुन रहे हो क्या, नॉर्मल आइडल टाइम के लिए अगर आप क्या करते हो, इन्फ्लेटेड रेट फॉलो करते हो, तो एंट्री की जरूरत ही नहीं हो, बाकी सारे अमाउंट में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। और अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड मानते हो तो फिर यहां से नॉर्मल आइडल टाइम क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। एंट्री बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस। और एबनॉर्मल आइडल टाइम जो हमारी गलती की वजह से हुआ, उसको मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकता, वो यहां से चला जाएगा पीएनएल में। आया समझ में? बोलो। लिखो, अभी मैंने आपको दो तरह की एंट्री समझाई है, एक मटेरियल्स रिलेटेड और एक वेजेस। लिखते लिखते फिर सोच लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। लिखो फिर, तुम नोट्स कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे लिखो, इन्वर्टर वाले को बुला के लाइट कनेक्शन करवाना इन्वर्टर का। चलो बेटा लिखो, लास्ट अपने लिखा है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो,
इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जर्नल एंट्रीज कैन बी डिवाइडेड, जर्नल एंट्रीज कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग फाइव पार्ट्स। जर्नल एंट्रीज कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग फाइव पार्ट्स। फर्स्ट, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू, बोलो, मटीरियल। ये मैं ना बाद में लिखाऊंगा, वो वाला कौन सा, वो जो डमी अकाउंट होता है और वो सब है ना, वो मैं बाद में लिखाऊंगा, किसकी जगह बनता है, क्यों बनता है, वो अपन लेजर के साथ लिखेंगे। क्या लिखा पहला? जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू मटीरियल। सेकेंड, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू लेबर। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू लेबर। थर्ड लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू ओवरहेड्स। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू ओवरहेड्स। फिर लिखो, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल। और लास्ट लिखो, ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डाल लो, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू मटीरियल। अब उसमें अपने को वो सात आठ एंट्रीज जो अपन ने लिखी ना वो पढ़ना है। फर्स्ट, फर्स्ट फॉर मटीरियल परचेज, फॉर मटीरियल परचेज, बोलो। फॉर मटीरियल परचेज एंट्री थोड़ा सोच के फिर लिखना। क्या लिखोगे? स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएलए। स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएलए। फॉर मटीरियल परचेज फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट। सेकेंड, फॉर मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर। फोकस करो, गुड्स आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है? फॉर मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर क्या होगा? आएगा गुड्स या जाएगा? तो स्टोर लेजर क्रेडिट होगा। तो एंट्री होती है जीएलए, जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। ये किसकी जगह? ये जीएलए किसकी जगह? क्रेडिटर की जगह, कैश और क्रेडिटर की जगह। थर्ड, फॉर मटीरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। For material purchase for a specific job,
हाँ वो सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही जाएगा। क्या एंट्री करोगे? WIP अकाउंट डेबिट टू, WIP अकाउंट डेबिट टू GLA फॉर मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, फॉर डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, फॉर डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू SLA। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर एक्सेस मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर एक्सेस मटेरियल रिटर्न फॉर एक्सेस मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या होगा? स्टोर में वापस आ जाएगा। स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू WIP। नेक्स्ट, फॉर मटेरियल, हाँ, फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड और फॉर मटेरियल इश्यूड टू अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड, फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड या फॉर मटेरियल इश्यूड अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या लिखोगे? हाँ, रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू, रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट। ठीक है, खोपड़े में अकाउंट पोस्टिंग चलाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, फॉर नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस PNL में नहीं जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर एडजस्टमेंट। फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू SLA। ठीक है, अब एक नई बात बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारी फैक्ट्री है जिसमें ये स्टोर है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये फिनिश गुड्स वेयर हाउस है। ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ए जॉब, एक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? ए। हमने क्या किया, यहां से जॉब ए के लिए 10 यूनिट इशू करवाई मटेरियल की कि भाई 10 यूनिट्स लगेगी। तो अपन ने, वो याद है मैंने बोला था WIP लेजर बनाते हैं जिसमें हर जॉब का अकाउंट क्या होता है, अलग होता है। तो मैंने क्या किया, ए जॉब पे 10 यूनिट्स का कॉस्ट क्या किया, चार्ज कर दिया। फिर बाद में पता चला कि ए जॉब पे तो 8 यूनिट ही कंज्यूम हुई और 2 यूनिट्स क्या हुई, बच गई। कहां बच गई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 यूनिट्स बच गई। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या तो मैं इसको क्या करूं, रिटर्न कर दूं, और इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, बी जॉब स्टार्ट हो रहा है उस पर भी सेम मटेरियल यूज होता है, तो मैं इसको यहां यूज कर सकता हूं।
ऐसा अकाउंटिंग तो होगी, ए जॉब से क्या होगा, बी जॉब से ट्रांसफर हो जाएगा, ए जॉब की कॉस्ट कम होके बी पे चार्ज हो जाएगी, सुना? पर जो ओवरऑल WIP है, टोटल WIP, उस पर तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं ना। देखो 10 और 2 12 डेबिट हुआ, 2 क्रेडिट हो गया, तो डेबिट तो 10 ही हुआ ना। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन जॉब, इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर। तो इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर होगा तो जॉब एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर होगा, पर तब जब मैं सेपरेट जॉब अकाउंट बनाता हूं। पर अभी जो हम लोग WIP अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो तो क्या सारे जॉब का कंबाइन अकाउंट है। तो अब मुझे बताओ, अगर इंटर बैच या इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर होता है तो क्या एंट्री होगी बताओ? क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई मटेरियल मूवमेंट हुआ? क्या स्टोर डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती है। ऐसा नहीं, और ऐसा थोड़ा होता है सर कोई एंट्री नहीं होगी, क्या होगी? जॉब में होगी। मैं क्या बोलूंगा, जॉब बी अकाउंट डेबिट टू जॉब ए। पर अभी जिस अकाउंटिंग में है हम लोग, उसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी। समझ में आया? नेक्स्ट एंट्री किसके लिए? 9th पॉइंट लिखना तो पड़ेगा, फॉर इंटर बैच और इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर। इंटर बैच और इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर, फॉर इंटर बैच और इंटर जॉब मटेरियल ट्रांसफर, बोलो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब जिस अकाउंटिंग सिस्टम में अपन है, उसमें कोई एंट्री नहीं होगी। नहीं आया? आया समझ में? ये सारी एंट्रीज किससे रिलेटेड थी? मटेरियल से रिलेटेड। बहुत इजी है, और सब में देखो क्या हो रहा है, या तो SLA डेबिट हो रहा है या SLA क्या हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें SLA में कोई मूवमेंट नहीं है। बाकी जनरली देखो SLA या तो डेबिट है या क्रेडिट है। तो डेबिट तब हो रहा है जब मटेरियल इनफ्लो हो रहा है, और क्रेडिट तब हो रहा है जब मटेरियल का आउटफ्लो हो रहा है। तो समझने के लिए एक अकाउंट तो पकड़ ही सकते हैं अपन। समझ गए? इसमें कुछ पूछना है तो बोलो, वापस बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि अपन लोग जब एक चैप्टर, मैंने बोला था ना मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये 3 सेपरेट चैप्टर हैं। तो जब मैं मटेरियल चैप्टर में होऊंगा ना, तो ये एंट्रीज वापस वहां काम आएगी। जब मैं लेबर चैप्टर में होऊंगा तो लेबर वाली एंट्रीज काम आएगी। ओवरहेड चैप्टर में क्या होगा? ओवरहेड वाली एंट्रीज फिर काम आएगी। तो इसका कनेक्शन उन 3 चैप्टर से तो है ही है वहां पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकंड लिखो, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू लेबर। ज्यादा नहीं है उसमें, तो 5 एंट्रीज ही हैं। फर्स्ट फॉर वेजेस पेमेंट, फॉर वेजेस पेमेंट, टोटल वेजेस पेमेंट जो होगा, बोलो वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA, वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA। सेकेंड फॉर डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, फॉर डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। WIP लेजर एडजस्टमेंट जो भी लिखोगे आप, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस। नेक्स्ट फॉर इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस।
फॉर नॉर्मल आइडल टाइम इन्फ्लेटेड है तो वैसे ही कोई एंट्री होगी भी नहीं और वो अलग से देंगे भी नहीं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं व्हेन ट्रीटेड एज ओवरहेड, ये एंट्री तभी होती है जब वो क्या माना जाए, ओवरहेड माना जाए। बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस। फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अमाउंट कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, सीधा अमाउंट अपने को गिवन होगा, अपने को सिर्फ उस अमाउंट की क्या करनी है, एंट्री करनी है। यहां तक आया समझ में? याद रहेगा कल तक? तो कल अपन लोग फिर वो ओवरहेड की एंट्रीज, सेल की एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज करके फिर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे कि भाई कैसे अकाउंट बनता है। ठीक है, कल मॉर्निंग में पढ़ेंगे ये सब।